जॉय ट्रैवल ब्लॉग में आप लोग को स्वागत है। ये चैनल नेचर फोटो एंड वीडियोस के लिए देखते रहिए और अच्छा लगे तो ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए। टॉप वन वीडियो का सेकंड पार्ट में दोस्तों आपको वेलकम करते हुए जॉय ट्रैवल ब्लॉग फिर से लेके आ गया है ये वीडियो। वीडियो में आपको देखने को आएगा रावण जी का गुहा और हनुमान जी जिस पहाड़ चीर के बाहर निकला था, बाकी देवता को भी प्रूफ देना था तो इसलिए वो सब जगह भी आपको दिखाएगा। तो वीडियो देखते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तपोवन पहाड़ का फर्स्ट पार्ट में ये गाइड भैया का पापा का मुंह से आप लोग के लिए ये तपोवन पहाड़ का जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री आप लोग के लिए लेके आया था। तो जो दोस्तों ये वीडियो मिस कर गया है, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उधर से भी वो वीडियो देख सकते हैं। तपोवन पहाड़ का हिस्ट्री जुड़ा हुआ है पुराण में रावण जी और हनुमान जी का, तो वो सब सुनने के लिए आप ये वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट है तपोवन पहाड़ का वो जरूर देखिए, उसके बाद ये सेकंड पार्ट देखिए, आपको भी अच्छा लगेगा। तपोवन पहाड़ में आने के लिए आपको गाइड का सहारा जरूर लेना पड़ेगा, क्योंकि इधर जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता तो है ही नहीं, क्योंकि पत्थर या पहाड़ के अंदर से ये रास्ता बना हुआ है। तो आप लोग अकेला आ जाएगा तो ये रास्ता में गुम हो सकता है, तो गाइड जरूर लेके आइए और इसका जो हिस्ट्री है वो भी आप जान सकते हैं गाइड से। इसीलिए दर्शनार्थी पुण्यार्थी या हम लोग की तरह टूरिस्ट इधर आते हैं, जो झारखंड स्टेट में स्थित एक टूरिस्ट प्लेस में जाना जाता है। और ये जो पहाड़ है बहुत ही खूबसूरत है, आप भी इधर आइए तो आपको भी अच्छा लगेगा। पहाड़ के और भी ऊपर जाने के बाद आपका पानी का तालाब के जैसा नजर में आएगा, इसका नाम है सीताकुंड। कहा जाता है सीता माँ ने इधर आके नहाया था, तो इसीलिए वो जगह का नाम सीताकुंड का नाम से भी जाना जाता है। ये जो जगह है जिसका नाम से तपोवन नाम हुआ है, तो आप लोग जानते ही होंगे इंडियन हिस्ट्री में बहुत सारा सन्यासी या ऋषि मुनि ने इधर आके तप किया था, और इधर वाल्मीकि ऋषि और रावण जी ने इधर आके तप किया। रावण जी, हनुमान जी और वाल्मीकि ऋषि मुनि ने इधर आया था तप करने के लिए। श्री बालानंद ब्रह्मचारी जी भी इधर आया था सिद्धि लाभ करने के लिए। तो दोस्तों आगे चलिए और जो जगह है वो जगह को भी दिखा देता है आपको। रास्ता तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग को भी तकलीफ हो रहा है और वीडियो भी इसलिए हिल रहा है, क्योंकि पहाड़ जो है पहाड़ कट के ये रास्ता बनाया है। तो आगे वीडियो देखते रहिए, आपको भी ये अच्छा लगेगा और जगह भी आप देख सकते हैं। अभी हम लोग आ गया है हनुमान जी ने जिधर पहाड़ चीरते हुए, ये जो पहाड़ देख रहे हैं आप लोग, ये पहाड़ चीरते हुए बाहर निकला था देवता को प्रूफ देने के लिए। तो मेरा जो वीडियो फाइल है वो मिसिंग हो गया था, और इसका जो साउंड क्वालिटी है साउंड क्वालिटी भी थोड़ा ख़राब हो गया है। पंडित जी ने जो बताया था वो जो है वो भी प्रॉब्लम हो रहा है, इसलिए आपको सुना नहीं पा रहा है। पंडित जी ने यही बात हम लोग के साथ शेयर किया जो आप लोग को पहले बोला है। तो दोस्तों देखिए ये गाइड भैया कैसे नीचे उतर रहे हैं,
ये देखिए रास्ता बहुत ही खराब है या डरावना है, तो देखिए नीचे जा रहा है, तो उसी रास्ता से हम लोग भी नीचे अभी उतर रहे हैं। तो वीडियो देखते रहिए, आपको भी अच्छा लगेगा। रास्ता तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए हम लोग को भी तकलीफ हो रहा है और वीडियो भी इसलिए हिल रहा है क्योंकि पहाड़ जो है पहाड़ कट के ये रास्ता बनाया है। तो आगे वीडियो देखते रहिए, आपको भी ये अच्छा लगेगा और जगह भी आप देख सकते हैं। दोस्तों अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं, नीचे जाने के बाद हम लोग देवघर पहुंचा था जो इधर से 10 किलोमीटर का दूरी में है। तो देवघर पहुंचने के बाद हम लोग टावर चौक में होटल लिया था। अगला दिन सुबह हम लोग देवघर या बाबा धाम मंदिर में पूजा दिया। पूजा देने के बाद हम लोग होटल पहुंच के उसी फॉल्स गया था और उसी फॉल्स देखने के बाद हम लोग गया था पारसनाथ टेम्पल। इधर ही पारसनाथ टेम्पल कम्प्लीट करके हम लोग घर लौटा था। तो जो वो सब वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल में ऑलरेडी वीडियो है, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। कैसे लगा? और जो व्यूअर्स ये चैनल में नया आए हैं, ये चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए क्योंकि हम ऐसे ही ट्रैवल रिलेटेड वीडियो ये चैनल में आप लोग के सामने लेके आते हैं।